मेडिकल प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके अशोक मेहता जी के मुंबई के बोरीवली व्यस्त सेवा केंद्र पर पहुंचने पर विशेष टॉक शो का आयोजन हुआ। डॉक्टर अशोक मेहता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी मेडिकल सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर अशोक कई नामचीन हॉस्पिटल्स के निर्माण एवं संचालन के निमित्त बने हैं, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल का नाम भी शुमार है। ऐसी जानी मानी हस्ती से राजयोग शिक्षिका बी के श्रेया ने कई रोचक सवाल पूछे। इतनी लंबी यात्रा में कभी आपको ऐसा लगा कि राह चलते पता नहीं कहाँ फंस गया? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि हमने जो रास्ता पकड़ा है, इस सबसे सुंदर रास्ता है। हमें पुराने संस्कार जल्दी छोड़ने चाहिए थे, और इतने छोड़ने में थोड़ी हमारी कहीं वीकनेस, या तो कहो कि योग की कमी। इतने लंबा समय योग करना चाहिए, घंटों तक बैठना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। डॉक्टर अशोक मेहता जी की अथक सेवाओं के लिए सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिंदु बहन ने उनकी खुले दिल से प्रशंसा की। डॉक्टर अशोक मेहता जी की कार्य कुशलता एवं असामान्य सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड से सम्मानित किया है। ऐसे ही मुंबई में मलाड सेवा केंद्र द्वारा प्रहलाद राय डालमिया लायंस कॉलेज में युवाओं के लिए वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें टेलीविजन एक्टर ऋषिकेश पांडे विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। बीके नीरजा ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम और आत्मसम्मान के निर्माण जैसे विषयों पर संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ऋतु फोगाट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्कशॉप से जुड़ी और स्टूडेंट्स को सफलता पाने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत बताए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर ने भी अपने अनुभवों से बच्चों को लाभान्वित किया।